कैसे हो दोस्तों, स्वागत है तुम्हारा मॉन्स्टर हंटर के एक और एपिसोड पे। तो यार शुरू करते हैं जहाँ से लास्ट टाइम हमने छोड़ा था। तो लास्ट टाइम मॉन्स्टर हंटर के एपिसोड में ज़ोरा मैकडोरस को हम फिर से हंट करने जा रहे हैं। इस बार ग्रेट रिवीन से हम उसे समंदर की तरफ डायरेक्ट करेंगे ताकि उसके मरने से जो उसकी बायो एनर्जी है वो पूरे आईलैंड को ही ख़त्म ना कर दे। लेकिन लेकिन उससे पहले हमने किया था ऑप्शनल क्वेस्ट के ग्राइंड्स, तो आज कंटिन्यू करेंगे हम वहीं से। और इस बार हम ट्राई करेंगे 5-स्टार ऑप्शनल क्वेस्ट। तो मैं जाऊंगा 5-स्टार ऑप्शनल क्वेस्ट में, और यहाँ पर पहला जो 5-स्टार ऑप्शनल क्वेस्ट है वह है रीडिफाइनिंग द पावर कपल, जिसमें हमें लड़ना है एक रैथियन और एक रैथलॉस से। तो मैं इसको कर दूंगा सिलेक्ट। तो यार ये क्वेस्ट बहुत ज़्यादा मुश्किल होने वाला है, जैसा कि तुम ऑलरेडी देख सकते हो। बेसिकली दो रैथलॉस से हमें लड़ने हैं, और लास्ट टाइम जब हम रैथलॉस से लड़े थे आधे टाइम हमारी बैंड बजी हुई थी। पॉइजन अटैक्स और फायर अटैक्स से बहुत ज़्यादा डैमेज झेलने को पड़ा था। तो मैं अभी क्या करूँगा, सबसे पहले तो कैंटीन में जाऊँगा, और सबसे पहले क्योंकि लास्ट टाइम मैंने काफ़ी सारे ऑप्शनल क्वेस्ट करे थे जिसमें काफ़ी सारे इंग्रेडिएंट्स कलेक्ट करने को था। तो होपफुली होपफुली कैंटीन में कुछ नए प्लेटर बने हुए हो जिसमें मुझे थोड़ा एक्स्ट्रा बूस्ट मिल सकता है। और यहाँ पर मैं देख रहा हूँ हेल्दी प्लेटर अवेलेबल है जो 30% हेल्थ बूस्ट देता है, और मीट प्लेटर में, शेफ़ चॉइस प्लेटर में 40% हेल्थ बूस्ट रहता है। तो मैं चूज़ करूँगा शेफ़ चॉइस प्लेटर, और निकल लूँगा मैं अपने हंट के लिए। इससे पहले देखता हूँ अगर कोई आइटम रीस्टॉक करना हो तो। अगर तुम रीस्टॉकिंग बार पे या फिर अपने इन्वेंटोरी में जाके वाई बटन सेलेक्ट करते हो, वाई बटन पे क्लिक करते हो, तो तुम्हारे सारे आइटम एक बार में ऑटोमेटिकली रीस्टॉक हो जाते हैं सारे। मैं कंट्रोलर्स के बारे ज़्यादा बात नहीं कर रहा क्योंकि गेम तुम्हें यूजुअली कंट्रोल्स बता देता है, तो मुझे नहीं लगता उसके बारे में बात करना इतना ज़्यादा ज़रूरी है। तो यार शुरू में ही हमें मिल चुका है राथियन। तो करूंगा मैं इसको वॉल बैंक, बहुत नाइस। मैं इसके सर को टेंडराइज नहीं कर रहा क्योंकि मोस्टली अगर मैं इंसेक्ट ग्लेव के साथ खेलूंगा तो चांसेस है कि मैं इसके पंखों पर ही ज्यादा वार करूं। पहला पावर अप, दूसरा पावर अप, डैमेज कोई दिक्कत नहीं। और ये हो गया है स्टन, और अभी मैं इसको करूंगा बहुत जल्दी काफी ज्यादा बुरी रॉन्ग बुरी डिसीजन मेकिंग, लेकिन यार बांकड़ बिल्ले ने हमें अनस्टन कर दिया है। तो जैसा कि अभी तुमने देखा मैं विंड प्रेशर से नीचे गिर गया, और मैं इस पर अभी सवार हो चुका हूं। कोशिश करूंगा इसको जितना से जितना डैमेज देने का। जब भी रैथियन और रैथलॉस एक ही मैप में होते हैं तब एक बहुत ही पर्टिकुलर कैरेक्टरिस्टिक होता है इन दोनों कैरेक्टर्स का, कि रैथियन जो है वो जब बहुत ज़्यादा डैमेज ले चुकी होती है तब वो रैथलॉस को हेल्प के लिए बुलाती है, और रैथलॉस भी यही करता है जब वो बहुत ज़्यादा डैमेज ले चुका होता है। फिर से बुरी टाइमिंग, कर लेता हूँ अपने किन्सेक्ट को चार्ज। पूरा मूव, बिल्कुल ही ऊपर से गया वो आग का गोला हमारे। एक और बार, पूरा
फिर से बड़े डैमेज देने का मौका मिल चुका है मुझे। पांकड़ बिल्ले ने कर दिया मेरे को हील। अरे यार काफी स्मूथ गया पहला स्टेज। कर लेता हूं मैं वेपन को शार्पन और चल लेता हूं मैं इसके पीछे। होपफुली ये रैथलोस का नाम बुला ले, क्योंकि अगर ऐसा हुआ तो समझ सकते हो दो ड्रैगन से एक साथ लड़ना पड़ेगा, जो कि बहुत ही बुरा आइडिया हो सकता है। विग्लीलिच स्टैमिना कंजप्शन कम करने के लिए, और मैं इस बार खुद पे चढ़ा देता हूँ एक रेशन और एक डीमन पाउडर, जो लास्ट टाइम हमें जब मैं फर्स्ट वाइवेरियन के पास गया था तब उसने मुझे हैंडल करवाया था। बढ़िया डॉज। वाइट पावर अप उठा लेता हूँ मूवमेंट स्पीड के लिए। पंखों पर वार लग चुका है और मुझे मिल गया वाइट पावर अप। एक और बार सवारी हो चुकी है यहां पे। तो यार राथियन ने अभी ये पेड़ गिराया है, और अगर मैं कोशिश करता हूँ इसको फ्लिंच शॉट कर सकूँ इन पेड़ों के पास या फिर इन बेलों के पास, तो ये उन बेलों पे अटक जाएगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। वेट करना पड़ेगा राथियन के अन एग्रो होने का, और फिर कोशिश करनी पड़ेगी फिर से। और राथियन खत्म। तो यार एक और बड़ा हंट हमने किया आज, और एक और बड़ा हंट करने जाना है। तो राथियन को मैं कर लूँगा लूट और चल दूँगा रैथलोस से भिड़ने। तो मेरा अंदाज़ा है रैथलोस अपने यूजुअल ठिकाने पे रहेगा, जो कि है एंशिएंट फॉरेस्ट का सबसे सबसे टॉप हिस्सा, एंशिएंट फॉरेस्ट की सबसे बड़ी चोटी। तो निकल लूँगा मैं वहीं के लिए। लास्ट टाइम के हिसाब से मुझे एंशिएंट फॉरेस्ट का रास्ता थोड़ा बहुत याद होने लगा है, भले ही एंशिएंट फॉरेस्ट एक बहुत बड़े भूल भुलैया की तरह है, लेकिन जितनी बार गेम को मतलब जितनी बार तुम गेम को रिपीट करते रहो वैसे वैसे टाइम पे, वैसे वैसे जैसे समय आगे चलता है तुम्हें मैप्स वगैरह याद होने लगते हैं। पहला क्लो मिल चुका है मुझे रैथलोस का, यह है दूसरा क्लू। वैसे क्लू की इतनी जरूरत है नहीं, क्योंकि होपफुली मैं गारंटी के साथ कह नहीं सकता, बट होपफुली रैथलोस जो है वो इस मैप के सबसे ऊपरी हिस्से में होगा। और जिन जिन एरियाज से मुझे क्लू मिल रहा है उन एरियाज से तो ऐसा लगता ही है कि वो उसको ऊपर ही होना चाहिए। और ये मुझे मिल चुका है थोड़ा शहद, लेकिन देखकर मुझे लग रहा है कि सारे स्लॉट्स फिल्ड है, तो अगर मुझे शहद चाहिए तो कोई ना कोई स्लॉट मुझे रिप्लेस करना पड़ेगा। तो मैं चूज़ करता हूँ गन पाउडर लेवल 2 का, क्योंकि लॉन्ग रेंज वेपन्स या फिर कह सकते हो गन्स वगैरह या तो बोज वगैरह मैं यूज़ कर नहीं रहा, तो मुझे ज़रूरत नहीं है गन पाउडर की। ओके, तो रैथलोस मैप में आ चुका है यार, मैं इसको कर देता हूँ मार्क और चल देता हूँ इसकी तलाश में।
लेकिन मुझे ऐसा क्यों लग रहा है घूम फिर कर रैथलॉस इसी तरफ आ रहा है, क्योंकि जैसा कि तुम देख सकते हो। और ये आ गया रैथलॉस, ज्यादा मेहनत करने की जरूरत पड़ी नहीं। इधर आ बड़े ड्रैगन, अब मुझे चाहिए सिर्फ फाइट पावर अप, और मिल गया वो भी। डॉज का डायरेक्शन बुरा था लेकिन टाइमिंग अच्छी थी। एक और बार और हो गया मैं सवार। ये मौका मैं लूंगा उस पर थोड़ा बहुत डैमेज देने का और उसको एक बार स्टन करने का। ये पता नहीं मुझे कहां लेकर जा रहा है। और ये हो गया स्टन, टेंडराइज कर लेता हूं मैं जल्दी से। तो यार दो बार कर लिया मैंने टेंडराइज, बहुत बढ़िया डॉज। बुरी टाइमिंग, बिल्कुल सही टाइम पे मैंने डॉज रोल किया, इसलिए तुम देख सकते हो कि इसके दहाड़ से मैं ज्यादा स्टन हुआ नहीं। एक और डॉज रोल, इससे पहले कि और लाइफ खत्म हो मैं यूज कर लेता हूं एक एंटीडोट। बहुत बढ़िया स्टन, पहला पावर अप, दूसरा पावर अप। ओ नाइस टाइमिंग और नाइस टर्न। डॉज, एक और बार कोशिश करूंगा एक और बार इसके ऊपर सवार होने की। सवारी सक्सेसफुल, नाइस। तो यार जैसा कि तुम देख सकते हो मेरे वेपन की शार्पनेस कम हो चुकी है, तो होपफुली एक बार मैं जब इसको स्टन कर दूं तब वो मौका मिलूंगा अपने वेपन को रीशार्पन करने के लिए। और रैथलॉस हो चुका है स्टन, मैं करूंगा वेपन को शार्पन। बहुत बुरी, और यार इसकी पूंछ से मैं करूंगा हेल्थ स्टील। एक और बार, एक और बार। एक और बार मैं कर चुका इसको स्टन, क्योंकि हेड का एरिया जो है वो मैंने टेंडराइज कर रखा था, तो मैं कोशिश करूंगा इसको जितने से जितने हेड पे डैमेज दे सकूं। अरे यार बहुत बुरा, बहुत बुरा डैमेज। तो देखा कि तुम लोगों ने, उसने एक ही बार में सिर्फ एक ही फायर ब्रेथ से मेरी आधी लाइफ उड़ा ली। तो थोड़ा संभल संभल कर खेलना पड़ सकता है जब भी रैथलॉस या फिर सिमिलर जानवरों से भिड़ रहे हो। तो कोशिश करता हूँ मैं कि मैं इसको ट्रैप कर सकूँ। काफ़ी नया जानवर दिख रहा है, और कर लिया मैंने इसको ट्रैप। यह है वुडलैंड पी ट्राइक्स, खैर जो भी हो। तो यार रैथलोस, हमें हड्डी का आइकन आ रहा है,
तो पॉसिबिलिटी है कि मैं उसको कैप्चर कर सकता हूँ। तो मैं जाऊँगा अपने क्राफ्टिंग लिस्ट में, देखता हूँ मेरे पास क्राफ्ट करने के लिए ट्रैंक बॉम्ब, यस, शॉक ट्रैप क्राफ्ट करने के लिए मेरे पास आइटम्स तो है, लेकिन दिक्कत यह है कि मेरा इन्वेंटोरी फुल है। तो मैं क्या कर सकता हूँ ना, आइटम पाउच में जा करके यहाँ से कुछ चीज़ें फेंक सकता हूँ। तो फायर हर्ब की मेरे को कोई ज़रूरत नहीं है, तो मैं क्या करूँगा ना, फायर हर्ब में ऐसे करके क्लिक करूँगा और उसको मैं डिस्कार्ड कर दूँगा सारे के सारे। तो अब मैं जाऊँगा क्राफ्टिंग लिस्ट पे, शॉक ट्रैप क्राफ्ट कर चुका हूँ मैं, शॉक ट्रैप। अब मैं जाऊँगा रैथलॉस के पास और उसको कर दूँगा कैप्चर। तो यार, अगर तुम गेम खेलना शुरू करते हो तो मेरा हमेशा ये यही सजेशन रहेगा कि हो सके तो जितने चाहे उतने मॉन्स्टर्स को कैप्चर करो इंस्टेड ऑफ किलिंग देम, क्योंकि अगर कैप्चर करते हो तुम्हारा लूट जो है वो ऑलमोस्ट 1.5 टाइम्स बढ़ जाता है। तो मान लो अगर रैथलॉस को मारने से मुझे 10 अलग तरह के आइटम्स मिलते, अगर मैं उसको कैप्चर करूँ तो मुझे 15 अलग तरह के आइटम्स मिलेंगे। 5 आइटम सुनने में इतना खास लग नहीं रहा होगा, लेकिन लंबे रन पे वो बहुत ज़्यादा काम आता है। बहुत लेट हो गया मैं, लेकिन फिर भी कोई दिक्कत नहीं, इसको मैं कर लेता हूँ कैप्चर। बहुत सही। वही चीज जो मैंने अभी कही थी, सेम चीज हैंडलर ने अभी कहा। और कैप्चर करने के बाद जो टाइमर है वो सिर्फ 20 सेकंड का होता है, तो क्वेस्ट भी जल्दी ही खत्म हो जाता है। तो मैं बहुत ज्यादा देर तक उस एरिया पे वेट करने की जरूरत नहीं है। तो यार, रैथलोस हो चुका है कैप्चर, रैथियन को कर दिया हमने ख़त्म। तो जैसा कि देख सकते हो यार, रैथलोस के काफ़ी सारे जो भी रेड कलर के मटेरियल्स हैं ना, वो रैथलोस के हैं, और जो ग्रीन वाले हैं वो रैथियन के हैं। तो जैसा कि देख सकते हो, काफ़ी सारे रिवॉर्ड्स मिले हमको रेड वाले, इसका मतलब कैप्चर करने के जो बोनस रिवॉर्ड्स है वो हमको मिले रैथलोस से। बहुत सही। तो मैं ओके, देखते हैं कि एक बार और, अरे ज्वाइन क्वेस्ट नहीं, आदत से मजबूर हूँ, हमेशा ज्वाइन क्वेस्ट पे क्लिक हो जाता है। देखता हूँ ऑप्शनल में कुछ और है क्या। ओके, ऑप्शनल में एक और क्वेस्ट है जो है स्पेशल अरीना रैथलॉस। तो यार, उसको भी मैं कंप्लीट कर ही लेता हूँ, अभी आ ही गया हूँ तो। और उसके बाद मैं चल दूंगा जोरा मैकडोरोस की बजाने, आई मीन बजाने नहीं, क्योंकि पूरे गेम में मुझे नहीं लगता जोरा जोरा ही ऐसा एक मॉन्स्टर है जिसकी बजा नहीं सकते, बट उसके पाथ को बदलने के लिए, उसको थोड़ा रीडायरेक्ट करने के लिए। तो खा लिया है मैंने मील और चल दूंगा राथलॉस को मारने। और इस बार क्योंकि मेरे पास रिसोर्सेस नहीं है कुछ भी नया क्राफ्ट करने के लिए, और क्योंकि ये अरीना है, रैथलॉस थक तो जाएगा, लेकिन उसको फिर कैप्चर करने के लिए मोमेंट टू मोमेंट हमें बार बार ट्रैप सेटअप करने पड़ेंगे ताकि उसको कहीं ना कहीं लग सके। इधर देख, एक दो और वॉल बैक, नाइस। तो सबसे पहले मैं जाऊंगा इसके सर के पास, इसको कर दूंगा मैं टेंडराइज। टाइम पे मैं रोल नहीं कर पाया। दो पावर अप्स कलेक्ट कर चुका हूं, तीसरे को बाद में कलेक्ट करता हूं। अगर एथलोस इतना ही ऊपर उड़ता रहा, ना उसको डैमेज जाएगा ना मुझे। गया 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 गया, इससे पहले कि कुछ हो, बांकड़ बिल्ले ने मुझे कर लिया हील, और यही टाइम मैं लूंगा एंटीडोट पीने का, नाइस टाइमिंग।
एक बार फिर से मैं उसके जहर पे आने वाला था। और मैं हो गया हूँ इसमें सवार। नाइस। ये कैसे हुआ? एक और बार। पूरी टाइमिंग, क्योंकि अरीना काफी छोटा है यार, मैं ज्यादा डैमेज दे नहीं पा रहा इसे। अच्छा हुआ मैं एयरबन था। फिर से नहीं, बांकर बिल्ले ने ऑलरेडी हेल्थ बार रखा हुआ है। अच्छा डॉज कर लेता हूँ मैं खुद को हील, और कर लेता हूँ पावर अप। अरे नहीं 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 नहीं, और ये मैं हो भी गया स्टन। एक और हिट और मैं खत्म। होपफुली ऐसा ना हो। नाइस सेव। कुछ ज्यादा ही सरप्राइजिंग अटैक था वो। मिल गया मुझे इसका सर का पावर अप। क्लोज कॉल। यार ये नीचे नहीं नहीं उतर रहा है यार, जबकि पार्ट ब्रेक डैमेज भी मैं लगा चुका हूं। नाइस। और मैंने काट दिया है इसका पूंछ। जल्दी से मैं ये बटन दबा देता हूं, ये लीवर खींच देता हूं, ताकि पत्थर इसके सर के ऊपर गिरे। और ऐसा लग रहा था उसको गुस्सा आ चुका है। मुझे डैमेज नहीं लगा, लेकिन मैं विंड प्रेशर से स्टन हो गया। एक और बार हो चुका हूं मैं इस पे सवार। और जैसा कि तुम देख सकते हो मुझे फायर ब्लाइट लगा हुआ है, जिससे मेरी हेल्थ धीरे धीरे कम होती जा रही है। और ये आ गया स्लैश फ्लरी और रैथलॉस डाउन। मौका अच्छा है, डैमेज देता हूं इसको जितना हो सके। बहुत ही बड़ा हेल्थ पूल है जैसे कि तुम देख सकते हो। कलेक्ट कर लेता हूं पावर अप्स। और हेडशॉट। नाइस। फिर से मेरे को हो गया पॉइजन डैमेज। और रैथलॉस थक भी चुका है ऐसा लग रहा है, तो कोशिश करूंगा कि खुद को हील कर लूं इसी मौके पे। और जैसा कि यार तुम एक और चीज देख सकते हो, यहां पर एक लीवर आ चुका है, तो ये ड्रैगनेटर। और ड्रैगनेटर ये बड़ी सी चीज है जो हमें अरीना में मिलता है। बहुत बड़े से स्पीयर्स टाइप के हैं, तो जैसे ही ड्रैगन ईटर्स अनलॉक होते हैं, यूजुअली अरीना क्वेस्ट में ये सब अनलॉक हो ही जाते हैं, जो भी मतलब गिल्ड वाले जो है क्वेस्ट वगैरह के लिए यूज करते हैं। तो जैसे ही अनलॉक हो इसका फायदा उठाओ। थोड़ा डिस्टेंस लूंगा और ट्राई करूंगा अपने जो वेपन है
उसको शार्प करने की। तब तक बांकड़ बिल्ला रैथलॉस को संभालेगा, और क्योंकि रैथलॉस थक चुका है तो मुझे ऐसा लग रहा है उसका जो हेल्थ है वो बहुत कम बचा है। और यार मैं फिर से हो चुका हूँ स्टन। तो यार अभी शायद तुम देख ही सकते हो कि मैंने इसको इसके लिए इंसेक्ट ग्लेव क्यों लिया, क्योंकि वो जितनी देर तक हवा में उड़ रहा है आधे टाइम तो ऐसा होता कि हम उसको नीचे ही नहीं गिरा पाते। तुम समझ ही सकते हो मैं क्या करने की कोशिश कर रहा हूं एक और बार उस पर सवार होने की। अच्छा डॉज था वो, कर लिया मैंने तीसरा पावर अप कलेक्ट। और एक और बार सवारी मिल चुकी है मुझे। बहुत ही ज्यादा एग्रेसिव हो चुका है ये रैथलॉस अभी। जितना ज्यादा ये कमजोर हो रहा है उतना ही ज्यादा एग्रेसिव हुए पड़ा है ये। और इसके एग्रेशन का हो गया खात्मा। बहुत ही मजेदार हंट था यार, दो बार इसने मुझे पॉइजन कर दिया। किस्मत अच्छी थी मैं मरा नहीं या फिर गेम ओवर नहीं हुआ। तो यार रैथलॉस को कर चुका हूं मैं लूट, और अभी करूंगा इसके पूंछ को हार्वेस्ट। ओके नाइस, तो सारे ऑप्शनल क्वेस्ट कर चुके हैं अपन खत्म, और अब चलेंगे ज़ोरा मैकडोरोस के क्वेस्ट पे। जितना मुझे लगता है फिर से ये बहुत ही बड़ा एक एनवायरमेंटल पजल होने वाला है। लास्ट टाइम तुम्हें याद होगा हमने जब ज़ोरा के क्वेस्ट को किया था तब पूरे क्वेस्ट करने के बाद भी मुझे बहुत ज़्यादा लूट नहीं मिली थी, या फिर कोई नया वेपन या फिर कुछ नया आर्मर अनलॉक नहीं हुआ था। तो शायद से ज़ोरा मैकडोरोस के क्वेस्ट को अभी ख़त्म करने के लिए ज़ोरा से रिलेटेड आर्मर अनलॉक हो सकते हैं। तो यार अभी मैं चलूँगा हैंडलर के पास, लेकिन हैंडलर के पास जाने से पहले स्मिथी के पास जाना ज़रूरी है। शायद आर्मरी लेडी के पास भी कुछ है कहने के लिए, देख लेते हैं। यू टुक केयर ऑफ ऑन नाइटमेयर विंग्स क्वेस्ट, थैंक यू सो मच। थैंक्स टू यू आई हैव मैनेज्ड टू कंप्लीट द स्पेशलाइज्ड टूल आई वाज वर्किंग ऑन। You can have the first working model. Go ahead, take it. Let me know what you think. Cleanser boost. दोस्तों cleanser boost क्या है ना कि एक, जैसे कि तुम्हें पता होगा कि last time जब भी मुझे किसी भी तरह का blight लगा था तो मैंने null berry खाई थी। cleanser boost basically वही चीज़ है, वो एक area पे cloud effect create करता है। तो अगर तुम्हें किसी भी तरह का blight लगा हो तुम अगर cleanser boost के अंदर घुस जाओ वो blight ख़त्म हो जाता है। You took care of the redefining the power couple quest. Thank you so much. Thanks to you, I have managed to complete the specialized tool I was working on. You can have the first working model. Go ahead. और वही usual dialogue. और ये मुझे मिला bandit mantle. चल स्मिथी, दिखा तेरे पास कुछ नया है कि नहीं. Forge equipment, armor. मैंने अभी अभी राथियन को खत्म किया और yes. तो यार रैथियन का आर्मर ऐसा लगता नहीं कि कुछ खास है इसमें, लेकिन इसमें हेल्थ बूस्ट का एक पॉइंट तो दिख रहा है।
तो मेरे पास टोटल अभी है, अभी के इक्विप्ड स्किल्स में मेरे पास है हेल्थ बूस्ट 2। तो अगर मुझे राथियन आर्मर मिल जाता है या फिर राथियन का हेड पीस मिल जाता है तो मेरे पास हो जाएंगे हेल्थ बूस्ट 3। ठीक है, राथियन के क्वेस्ट को करेंगे, लेकिन इससे पहले जोरा मैगड्रोस का क्वेस्ट संभाल लेते हैं। चलता हूँ मैं हैंडलर के पास। म्यास्कुलर शेफ के पास भी कुछ है हमसे बोलने के लिए, तो यार सुन लेते हैं इन्हें क्या कहना है। You interested in bulking up the canteen with more ingredients? Now that's what I'm talking about. Take care of the quest getting yogged in the waist, and we'll get that menu so beefy you can grill it. The canteen can't get yogged if I don't have that yolk. Go get my protein. तो यार ऐसा लगता है, ओ एक और चीज बताइए म्यास्कुलर शेफ। यू इंटरेस्टेड इन बल्किंग अप द कैंटीन? यार ये तो वही डायलॉग है, और इस बार गेटिंग यॉर्क्ड इन द फॉरेस्ट, वही चीज फिर से। अभी ये कुछ नया बोल रहा है और ये बोलता है, ऑल यू हैव टू डू इज साइन अप फॉर एंड कंप्लीट द क्वेस्ट। It's a crying shambles and what a bunch of abalone. ठीक है ठीक है, इसके पास कितने सारे क्वेस्ट हैं और सारे क्वेस्ट लग रहे हैं। ओके ओके, सो दैट वॉज इट। हाँ तो म्यास्कुलर शेफ ने काफ़ी सारे क्वेस्ट दे दिए हैं मुझे, और जोरा मैगड्रोस के ख़त्म होने के बाद कोशिश करता हूँ म्यास्कुलर शेफ के क्वेस्ट ख़त्म कर सकूँ। तो हैंडलर कहती हैं, बिफोर आई लेफ्ट फॉर द न्यू वर्ल्ड आई टोल्ड माई फादर एंड ग्रैंड फादर आई एम गोइंग टू राइट अ बुक ऑन न्यू वर्ल्ड कुजीन। आई एम गोइंग टू ट्रैक डाउन एंड कैटलॉग एवरी फ्रूट नट एंड स्पाइस देयर इज। ऑफकोर्स दैट्स गॉट अ लाफ, दे नोडेड and said go on and figure out the whole elder grossing thing too. So when I do get to hear the exciting story of why you're here, come on there partner, I'm dying to know, seriously, what is it? Fame, fortune, the glory for the hunt, pirates, assassin, someone special, I know, food, it's food, night, it's food, right? Theek hai. I know now's not the time, but two of these days are gonna sit down to a big meal and stiff drink, and you're gonna spill the beans. We're on the hunt. All right, are you ready to put some swim trunks on Elder Dragon or what? Well, our ballistae and cannons were more annoying to Zora Magdros than effective. Almost like a noisy swarm of bugs. But the commander says that's exactly what we need. No one wants to deal with a noisy swarm of anything. I'm pretty sure that goes for a giant walking volcano monsters too. All we need to do is present a nice, peaceful, stress-free path for Zora to choose over the noisy, swarmy one. यार नोट कर रहे हो उसने क्या कहा? नाइस पीसफुल, जैसे कि हम वही करने यहाँ आए हैं यहाँ पे। तो यार जैसे कि लास्ट जोरा मैगड्रोस के क्वेस्ट में मैंने बताया था कि हमारे कैनन्स जो है वो सिर्फ मच्छर जितना डैमेज कर रहे हैं, तो यार हैंडलर ने बहुत ही पॉइंट वाली बात कही यहाँ पे कि मच्छरों के ढांचे के आसपास कोई भी घूमना नहीं चाहेगा, तो वही हमें करना है। तो अभी मैं निकलूँगा जोरा मैगड्रोस के क्वेस्ट पे, इससे पहले कर लेता हूँ मैं एक मील। और चल पड़ा मैं क्वेस्ट पे। तो एक और बार अपने को मिला है जोरा मैगड्रोस का क्वेस्ट, और एक और बार ये होने वाला है एक और एनवायरमेंटल पजल, और मैप शायद थोड़ा अलग होने वाला है जैसा कि तुमने क्वेस्ट लिस्ट में देखा होगा। तो यार कटसीन हो चुका है शुरू, मैं कर लेता हूँ अपना मुंह बंद और तुम करो कटसीन को एंजॉय।
Let's go over the operation. The subterranean channel Zora Magdaros is using continue deep underground. We'll have one shot to divert it here when it surfaces. If we let it slip by, it's out of our reach forever. That's why I'm breaking out the big guns. इनके समय के हिसाब से इनकी टेक्नोलॉजी बहुत ही ज्यादा धासु है। This is the Dragonator. We'll use it to drive Zora back and divert it out into the open sea. The target will be coming at us full tilt. So your job is to wear it down and try to keep it in check. Be relentless. Are we clear here? Very good, yes, sir. One more thing. Nergigante is bound to show up to try to make a mess of this. If it gets in our way, it's up to you to stop it. This whole operation rides on how well you do that. We can do this. Scout ahead. Signal us if you spot any trouble. Coming. Move out! Yes, sir! Use everything at your disposal. I want eyes everywhere. Fight hard and stay smart. सारे hunters जोश में हैं। फिर आ जाते हैं अपन भी जोश पे। We need to weaken Zora Magdaros enough to capture it. Once you're on its back, give all you've got. Destroy the cores to weaken it. We'll try dropping some of those stalactites on it. Stalactite शायद इनको बोला गया है। तुम ये देख सकते हो कि इन पत्थरों पे गन पाउडर लगा हुआ है या फिर बड़े बैरल्स लगे हुए हैं, तो शायद ये सब चीज़ अभी ज़ोरा के ऊपर हमें गिरानी है। यार लैंडिंग स्पॉट कहाँ पर है? तो यार उतर चुका मैं लैंडिंग स्पॉट पे और वही ड्रिल है मैग्मा कोर्स को खत्म करने का। और ये क्या ट्रू चार्ज्ड स्लैश? मैग्मा कोर फिर से फटने वाला है या शायद नहीं? चलकर नहीं 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 गेम का एआई कुछ ज्यादा ही इंटेलिजेंट है। एक और ट्रू चार्ज स्लैश और मैग्मा कोर खत्म। बहुत सही। समथिंग्स हैपनिंग टू इट्स शेल, द फ्लो ऑफ मैग्मा इज चेंजिंग। जिस तरीके से हैंडलर मुझे कहती है द फ्लो ऑफ मैग्मा इज चेंजिंग, ऐसा लगता है कि ज़ोरा मैग्डोरस के लिए मैग्मा जो है वो खून के बराबर है। पहला चार्ज, बहुत ही सही टाइम पे मैंने शोल्डर टैकल दिया और इसकी वजह से मैं इसके अटैक से सक्सेसफुली काउंटर हो गया। और ये नहीं, कैसे? एनी हाउ, तीन रोल्स और मैं कर लेता हूं खुद को हील। तो यार ये मैग्मा कोर भी हो चुका है खत्म। अब चलना मुझे इसके सर पे। तो यार जल्दी से चढ़ जाते हैं ज़ोरा के ऊपर और अभी अपना टारगेट है इसके सर तक पहुंचने का और इसके सर पे जो मैग्मा कोर है उसको डिस्ट्रॉय करने का। लेकिन इससे पहले लूट लेता हूं।
क्योंकि हर दिन तुमको जोरा के शरीर से नए माइनिंग को लूटने का मौका नहीं मिलता। तो यार ये है मैग्मा कोर, मैप में देख सकते हो काफी करीब है, तो मैं चढ़ जाता हूँ यहाँ पे। होपफुली एकदम टॉप फ्लोर पे मुझे वो मैग्मा कोर मिल जाए। और यार जैसे कि यहाँ पर देख सकते हो स्टेलेक्टाइट एक है जो बहुत ही ज़्यादा करीब है हमारे, तो मैं कोशिश करूँगा इस पर फायर करने की। और ये नाइस, तो यार सक्सेसफुली मैंने इसके ऊपर गिरा दिया है एक स्टेलेक्टाइट। पूरा डायरेक्शन कोई दिक्कत नहीं, शोल्डर टैकल और ये ट्रू चार्ज स्लैश। करते हैं फिर से कोशिश, एक दो और ये अरे यार मैं दूर था। ठीक है कोई दिक्कत नहीं, ज्यादा हेल्थ खत्म हो चुका है। ओके, तो मैग्मा कोर हो चुका है डिस्ट्रॉय। क्यों, किस लिए? मुझे लगा था मैग्मा कोर डिस्ट्रॉय होने के बाद अपने को मैग्मा अटैक पड़ेगा नहीं, लेकिन डेवलपर्स ने अपने लिए कुछ और ही सोच रखा था। खैर कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि ऐसा हुआ ना कि जैसे ही वो मैग्मा कोर वो चार्ज कर रहा था उसी टाइम पे अपन ने मैग्मा कोर को डिस्ट्रॉय किया। तो यार अभी चल लेते हैं यहाँ से बाहर, और ये मिल चुका है मुझे रास्ता। यहाँ पर देख सकते हो माइनिंग स्पॉट यहाँ पर भी है, लेकिन मैं इसको लूट नहीं सकता। जैसे ही मैंने हार्वेस्ट का बटन दबाया मैं कूद गया वहाँ से, बट ठीक है कोई दिक्कत नहीं। अरे एकदम ही टॉप पे एक सेलेक्टाइड है, अगर मैं इसको गिरा दूँ इसके ऊपर तो बहुत ही ज़्यादा हेल्थ ड्रेन कर सकता हूँ, और कोशिश करूँगा अभी वही करने की। और ये नाइस, एक और सेलेक्टाइड गिर चुका है इसके ऊपर। आगे की तरफ एक और है, लेकिन वहां तक जाने का रास्ता तो यार नर्गी गांटी की एंट्री हो चुकी है, और वो है शेल के एकदम एंड साइड पे जहाँ पर हमने क्वेस्ट की शुरुआत करी थी। तो यार चलते हैं उस तरफ और करते हैं चैलेंज नरगी कांटे को। नरगी कांटे बहुत ही अधेड़ सा नाम लग रहा है, नरगी कांटे, या फिर अगर थोड़े बायोलॉजिकल टर्म से बोलो तो नर्गस गाइगेंटस। सुनने में मज़ेदार है। इधर आप और क्यों पाई, तेरे को मैं करूंगा वॉल बैंक। और ये हो चुका है वॉल बैंक। सबसे पहले तो यार मैं इसके हाथों को टेंडराइज करूंगा, क्योंकि यहीं पर सबसे ज्यादा अपन लोग डैमेज देने वाले हैं। नरगी आटे कहाँ गया, ये ऊपर क्यों है? मैं स्टेलेक्टाइट्स गिरा सकता हूँ क्या इसके ऊपर? शायद नहीं, नहीं 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 नहीं। Hunters, keep at it.
ओके नरगी कांटे यहाँ पर है, कोशिश करता हूँ इस पर सवार होने की, ना बुरी कोशिश। बहुत ही बुरा डैमेज था यार वो सिंगल हिट में उसने। अरे कैसे ऐसा, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है बहुत ही ज़्यादा अनफेयर फाइट है ये। तो मैं क्या करूँगा, कर दूँगा अपने वेपन्स को चेंज और मैं उठा लूँगा लॉन्ग शॉट। और मैं चल दूंगा नरगी कांटे से फिर से लड़ने। वैसे है बेवकूफ़ी लेकिन अपन लोग हंटर है तो साइन अप ही हमने इस चीज़ के लिए किया था। कहाँ है नरगी कांटे? ये है जोरा का सर, शायद हम ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं। इसका मैप ही मेरे समझ से बाहर है यार, बट ठीक है सही रास्ते से चलते हैं। क्योंकि अभी अपना क्वेस्ट ही वही है रिपेल नरगी कांटे, तो चल लेता हूँ मैं उसकी तरफ। हाँ कैसे, ये तो बहुत ही ज्यादा सरप्राइज अटैक था। ऐसा लग रहा है जोरा मैगड्रोस से लड़ने के लिए सिर्फ स्किल नहीं थोड़े से लक की भी जरूरत है। और पूरी जिंदगी में आज तक लक साथ दिया नहीं। ओके जोरा अपनी पोजीशनिंग चेंज कर रहा है तो मुझे नहीं लगता मैं उसके सर तक पहुंच सकता हूं। तो अगर मैं मैप पर चेक करूं कैन नॉट यूज वाइल्ड लाइफ मैप, कोई दिक्कत नहीं। नीचे उतरना सही रहेगा। मुझे ये नहीं समझ आ रहा मैं यहाँ से वापस कैसे जा सकता हूँ। मैं अगर मैप भी ओपन करता हूँ तो मुझे पास के किसी भी स्पॉन पॉइंट का लोकेशन नहीं बता रहा, फास्ट ट्रैवल का लोकेशन नहीं बता रहा। तो शायद अभी एक ही तरीका बचता है इसके ऊपर स्टेलेक्टाइट्स गिराने का। स्टेलेक्टाइट्स यार बहुत ही ज्यादा ऊपर है। किस्मत अच्छी थी मेरी। कुछ करने की कोशिश कर रहा हूं लेकिन मैं कुछ कर नहीं पा रहा हूं। कमांडर ट्रैवलिंग बाय अ विंग ड्रेक, बहुत अच्छे। तो शायद अभी मुझे करने हैं इस पर बलिस्टाज और कैनन से अटैक। तो यार कैनन को मैं कर देता हूँ फिक्स। थोड़ा और शायद थोड़ा और ये सही है। और मैंने कर दिया फायर, नाइस। फिर से कोशिश करूंगा। तो कैनन्स लोडेड है और मैं करता हूं कैनन को फिक्स और मैं कर दूंगा फायर।
मैं उठाऊंगा बाइंडर और कर दिया मैंने इसको लॉक। भांकड़ बिल्ला इस बार एक्चुअल में काम कर रहा है। यार बलिस्टास को तो इतना कम डैमेज है, मुझे पॉइंट ही नहीं समझ आता कि इनको यहां पर क्यों रखा हुआ है। और सोरा कोशिश कर रहा है कि इस बैरियर को तोड़ने का। होपफुली इस बार मैं इसको रोक सकूं। जोरा मैग्नरोस इज रीलिंग इन, तो शायद अपने कैनन से अटैक करने का कोई फायदा हो रहा है। Alright. यहां पर भी ये हंट्रेस कैनन तैयार रह के बैठी है और ऐसा लग रहा है एकदम हेड पे निशाना है, तो मैं कर देता हूँ फायर। नॉट बैड बहुत अच्छे भांकड़ बिल्ले। यार इस विंड ब्रेक ने मुझे दिला दिया है गुस्सा, लेकिन मेरे मारने से पहले ये भागने लगा है। भाड़ में गया जोरा मैग्नरोस, मुझे इसकी जान चाहिए। नाइस ट्राई जोरा। और ये मैंने कर लिया है कैनन को लोड और एकदम सर पे परफेक्ट शॉट था वो। इस पर अटैक नहीं कर पा रहा हूं मैं, खैर कोई दिक्कत नहीं। सिर्फ एक ही कैनन था मेरे पास। वन शॉट बाइंडर्स, अरे नहीं यार इसको। Alright. ये क्या कर रहा है यार, ये तो फाउल गेम है। तो यार ये धीरे धीरे अपने बाइंडर्स और कैनन्स वगैरह तोड़ने लगा है, सही चीज नहीं है ये। और बिल्ला लोड कर चुका है कैनन्स, फिर से करूंगा मैं इस पे फायर। होपफुली अभी दूसरे साइड की हंटर्स भी लोड कर चुकी है कैनन्स। तो मैं नीचे जाके देखता हूँ अगर कुछ होगा तो, क्योंकि यहाँ पर बोट्स वगैरह भी है। ओके नाइस, यहाँ पर अपने पास मेरे पास एक बॉलिस्टा बाइंडर है, मैं इसको कर देता हूँ बाइंड। और क्योंकि यहाँ पर दो कैनन वाले लोग हैं बहुत ही आसपास, मैं करूँगा इनके कैनन। तो जैसे कि तुम देख सकते हो ड्रैगनेटर भी जोरा पर एकदम पास में ही है। जब तक ड्रैगनेटर चलाने का सिंबल आ नहीं जाता तब तक शायद मुझे यही करते रहना है।
टाइम फॉर द ड्रैगनेटर द स्विच इज एट द बॉटम। तो यार ड्रैगनेटर का अपने को सिग्नल मिल चुका है। इससे पहले और यार ये चल चुका है ड्रैगनेटर। I'm pretty sure कि ये मच्छरों के काटने से थोड़ा ज्यादा दर्दनाक होगा। और लगता है सक्सेसफुली हमने ज़ोरा मैगडरोस को समंदर की तरफ रीडायरेक्ट कर दिया। एवरस्ट्रीम से मैं जाने नहीं दिया उसे। It's over. Yes. It only took 40 years. Yeah. 40 years से इसका मतलब है कि जो हंट्समैन थे वो थे फर्स्ट फ्लीट के और हम हैं फिफ्थ फ्लीट के। तो हमारे आने और उनके आने तक का जो फासला है वो 40 सालों का है। तो 40 सालों से ये लोग यही इन्वेस्टिगेशन कर रहे थे और उसका ऑब्जेक्टिव आज ख़त्म हुआ। Grandfather? So, ready to go home? Yes! मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि सुपर सेन 3 की एंट्री होने वाली है। खैर जो भी है तो देखते हैं क्या मिला है। ज़ोरा मैगडरोस के काफ़ी सारे पार्ट्स इस बार हमें मिले हैं जैसा कि तुम देख सकते हो, और कुछ पेपर मिला है कमेंडेशन। खैर जो भी है, क्योंकि ज़ोरा मैगडरोस के काफ़ी सारे पार्ट्स मिले हैं, होपफुली अभी आर्मर भी अनलॉक हो सके ज़ोरा मैगडरोस का। फिंगर्स क्रॉस्ड है, लेकिन देखते हैं क्या है। मैं नीचे हूँ हैंडल, लेकिन सबसे पहले मुझे स्मिति से बात करनी है। होपफुली अभी कुछ तो ऐसा हो कि आर्मर, और अभी भी कोई नया आर्मर नहीं है जो ज़ोरा मैगडरोस से रिलेटेड हो। खैर कोई दिक्कत नहीं, अपग्रेड कर लेता हूँ मैं वेपन्स को। और ओके तो यार वेपन्स को अपग्रेड करने के लिए जो नया आइटम चाहिए था वो था एक कमेंडेशन, कुछ तो भी पर्ची जैसा है ये। तो अभी क्योंकि मेरे पास है सिर्फ 2 कमेंडेशंस, मैं करूँगा अपग्रेड इंसेक्ट ग्लेव को, क्योंकि एक वेपन मुझे ऐसा चाहिए जिसमें थोड़ी वर्टिकैलिटी हो। और मैं करूंगा अपग्रेड ग्रेट स्वॉर्ड को, और आगे है एक क्वेश्चन मार्क वाला रिसोर्स जो अभी तक अपने को मिला नहीं है, और कोई ऐसा मॉन्स्टर मुझे मिला नहीं है जिससे मैं वो रिसोर्स फार्म कर सकूं। तो यार स्टोरी पे आगे बढ़ेंगे, देखते हैं कि वो कौन सा मॉन्स्टर है। और वेपन को मैं रैंक कर दूंगा रेयरिटी के हिसाब से। ठीक है आगे बढ़ते हैं, बात कर लेते हैं आर्मरी लेडी से। सो इट्स क्वाइट नाउ, यू'ड नेवर नो
we had any trouble. But it's times like these that we have to be especially vigilant. You know what they say about the calm before the storm. Well, better safe than sorry, right? That's why you should take a look at my new products and prepare yourself for anything. So, care to have a look? Purchase weapons. देखते हैं इनके पास क्या नया है. ज़्यादा कुछ नहीं. Ignore करते हैं. Purchase armor. तो इनके पास डिफेंडर आर्मर है, लेकिन जितना मुझे याद है डिफेंडर आर्मर मैंने शुरू में यूज़ इसलिए नहीं किया था क्योंकि अभी हम जिस रैंक पे हैं वहाँ पर डिफेंडर आर्मर यूजुअली अनलॉक रहता नहीं है. डिफेंडर आर्मर यूजुअली इसके आगे के रैंक्स में अनलॉक होता है और मुझे नहीं लगता उन आगे के रैंक्स में अभी तक हम पहुँचे हैं. तो मैं ये सिर्फ तभी परचेज करूँगा जब मैं उन आगे के रैंक्स में पहुँचूँगा. क्योंकि अगर तुमने गेम ख़रीदा हो और तुम प्ले थ्रू फॉलो कर रहे हो तो चांसेस है कि तुमने डीलक्स एडिशन ना ख़रीदा हो, तुमने नॉर्मल एडिशन ख़रीदा हो वर्ल्ड और आइसबॉर्न का. और चांसेस है कि शुरू के लेवल्स में तुम्हें डिफेंडर आर्मर ना मिले. बट एनी हाउ बात कर लेते हैं हैंडलर से. तो हैंडलर कहती है दिस इज़ लाइफ. नो मोर प्रेसिंग इन्वेस्टिगेशन, नो मोर मॉन्स्टर्स मेनेसेस. आई कुड गेट यूज्ड टू द पीस एंड क्वाइट. Although there is one thing weighing on me. Did you hear about the member of the fourth who got injured while out investigating some suspicious tracks? There was also a Puke Puke sighting in the wild spire waste. That's not its natural habitat. What do you make of it? Maybe it's time we came out of semi-retirement and went on an expedition. Gotta stay in shape. The tracks were in the Wildspire waste. What do you say? Wanna go have a look? तो यार अभी क्वेस्ट है अपने को जाने का Wildspire waste में. लेकिन इससे पहले मैं जाऊँगा क्वेस्ट बोर्ड के पास, देखूंगा अपने पास कुछ ऑप्शनल क्वेस्ट वगैरह रहते हैं कि नहीं. एनपीसी से बात कर लेता हूं. तो कैप्टन कहते हैं फाइवर, आई हैव गुड न्यूज, लिसन टू दिस. इन द कोर्स ऑफ द लास्ट ऑपरेशन द कमीशन्स गेन्ड पोजीशन ऑफ अ माइटी गुड शिप. विद हर एंड माय 40 इयर्स एक्सपीरियंस विद द लोकल वेव्स एंड वेदर, the sea shall no longer thwart our efforts. Therefore, I've decided it's best to maintain a regular route between here and the old world. The goal being, of course, to improve our supply of provisions and how often we get them. There's nothing to it. Me and my beauty set sail, our friends back home, load her up with goodies and back we come. Easy, right? So, I have a tasty proposition for you. If it's all well with you, I can share some of my cargo with you. Here's what I have managed to get my hands on this time. Come here and have a gander. Well, take a good whiff before you go. This is the one place that still smells like home. कोशिश करी मैंने कि डेवी जोन्स पायरेट्स ऑफ द कैरेबियन की आवाज में बोलूं. उम्मीद करता हूँ तुमको पसंद आई होगी. तो ये कहते हैं परचेज गुड्स और यहाँ पर मुझे मिलता है 440, 480, 399. तो यार बेसिकली कैप्टन कहते हैं कि पॉइंट्स स्पेंड करो और कुछ आइटम्स वगैरह मुझे मिलेंगी 480. क्योंकि ये महंगा है तो मैं यही लेके देखता हूँ, होपफुली कुछ अच्छा मिल जाए यहाँ पे. और मैं करता हूँ रिक्वेस्ट गुड्स. हाँ तो यार मुझे मोस्टली चाहिए मटेरियल आइटम्स, तो मैं दो में मटेरियल आइटम सेलेक्ट करूँगा और तीसरे में कंज्यूमेबल आइटम सेलेक्ट करूँगा. द
मतलब कि क्योंकि मटेरियल आइटम्स जो रहता है ना वो है मॉन्स्टर आइटम्स और कंज्यूमेबल, जैसे कि तुम समझ सकते हो कोई भी ड्रिंक्स हो गए या फिर कोई भी पोशन वगैरह हो गए। बोटैनिस्ट के पास भी मेरे लिए कुछ नया है, शायद एक नया स्लॉट अवेलेबल है अनलॉक, आई मीन हार्वेस्ट करने के लिए या फिर फार्म करने के लिए। You're just the awesomest. Oh, thank you. You're simply the best. Thanks to you, my ancient tree has gotten even larger. What? You'd like to know what I have been doing while you chased off the Hornitors? And you don't understand what they have to do with the ancient tree and why it wasn't growing before? Well, I suppose I could tell you. There's a specific reason the ancient tree is growing again. You remember how I went into the forest after the fifth arrived and worked on specialized equipment? Well, while I was out there, I found a piece of Zoramagdor's scarabace at the place where it made landfall. As you know, Zoramagdor's made its way to the far side of the Great Ravine. Why? What's there? Exactly! Now that's the ancient tree has increased in size. I can handle multiple requests at once. I hope you take advantage of it. Consider it a way to help me further my research. Now, were you just here to chat? तो यार एक और स्लॉट मैं कर चुका हूँ अनलॉक, तो कल्टीवेट करने की कोशिश करता हूँ हनी। बहुत अच्छे, तो अभी मैं मल्टीपल चीज़ें क्राफ्ट कर सकता हूँ हनी और पीटरबग को लेकर के, और आगे मुझे जाना है वाइल्ड स्पायर वेस्ट के एक्सपेडिशन में, लेकिन यार वो करेंगे अगले एपिसोड पे। आज के लिए बस इतना ही, उम्मीद करता हूँ तुमको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, कमेंट्स में बताओ तुम्हें क्वेस्ट्स कैसे लगे, तुम्हें मॉन्स्टर्स कैसे लग रहे हैं, तुम्हें गेम प्ले कैसा लगा। और यार इसी के साथ मैं लेता हूँ अलविदा, बाय बाय।